हेलो एंड वेलकम टू मायापुरी कट। मैं हूं आपके साथ प्रिया रघुवंशी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड से जुड़ी टॉप 10 खबरें। सो लेट्स बिगिन। प्राइम वीडियो की पॉपुलर सीरीज पंचायत का हर सीजन शानदार और कामयाब रहा, वहीं अब फैंस पंचायत सीजन 4 का इंतजार कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको बता दें कि इस मच अवेटेड ओरिजिनल सीरीज पंचायत के चौथे सीजन की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, फेमस OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो ने हाल ही में ऐलान किया है कि इस मोस्ट अवेटेड ओरिजिनल सीरीज की शूटिंग शुरू हो चुकी है और सेट से अब कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। फिल्म निर्माता दिनेश विजान ने अपनी नई हॉरर कॉमेडी फिल्म थामा का ऐलान कर दिया है। इस फिल्म में एक्टर आयुष्मान खुराना लीड रोल में नजर आएंगे और फिल्म में उनकी जोड़ी रश्मिका मंदाना के साथ बनी है। वहीं आयुष्मान, रश्मिका, परेश रावल और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की ये फिल्म थामा दिवाली 2025 पर रिलीज होगी। जूनियर NTR की देवरा पार्ट 1 को जो लोग थिएटर्स में नहीं देख पाए थे उनके लिए अब गुड न्यूज है। दरअसल ये फिल्म थिएट्रिकल रिलीज के बाद अब OTT प्लेटफॉर्म के लिए भी तैयार है। बता दें कि देवरा पार्ट 1 8 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस और फॉलोअर्स के साथ एक गुड न्यूज शेयर की है। दरअसल धनतेरस के मौके पर विवेक ओबेरॉय ने अपनी पत्नी प्रियंका के साथ अपने नए घर में गृह प्रवेश किया है। इस दौरान दोनों ने घर पर पूजा रखी और एक बेहद ही खूबसूरत सी तस्वीर भी एक प्यारे से कैप्शन के साथ इंस्टाग्राम पर पोस्ट की है। हाल ही में दिवाली पार्टी में अवनीत कौर काफी रिवीलिंग आउटफिट पहनकर पहुंची थी। अवनीत इस दिवाली पार्टी के लिए हैवी एम्बेलिश्ड नेवी ब्लू साड़ी स्टाइल आउटफिट में नजर आई थी। हालांकि उन्होंने डीप नेक ब्रालेट स्टाइल ब्लाउज पहना था जिसके साथ उन्होंने थाई हाई स्लिट स्कर्ट पेयर की थी। अब दिवाली पार्टी में ऐसे बोल्ड लुक की वजह से अवनीत को काफी ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। सलमान खान के पिता और दिग्गज लेखक सलीम खान ने एक नई कार खरीदी है। सलीम ने अपने बेटे सलमान खान के खिलाफ बढ़ती मौत की धमकियों के बीच एक नई कार खरीदी। उनकी नई कार का एक वीडियो भी ऑनलाइन सामने आया है। खबर है कि सलीम खान ने एक सफेद मर्सिडीज बेंज GLS कार खरीदी है और इस कार की कीमत 1,57,00,000 रुपए बताई जा रही है। अजय देवगन के भांजे अमान देवगन और रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी फिल्मी दुनिया में कदम रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। इन स्टार किड्स की पहली फिल्म आजाद का टाइटल भी रिवील हो चुका है। इसके साथ ही मूवी का फर्स्ट लुक पोस्टर भी सामने आ गया है। खास बात तो ये है कि इसमें अजय देवगन भी नजर आने वाले हैं। नेटफ्लिक्स इंडिया के द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 2 का नया प्रोमो सामने आ चुका है। आने वाले दिनों में भूल भुलैया 3 की पूरी स्टार कास्ट कपिल शर्मा के कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 2 में नजर आएगी। वहीं इस एपिसोड को आप 2 नवंबर 2024 को रात 8 बजे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। वरुण धवन और समांथा रूत प्रभु की अमेरिकन ड्रामा वेब सीरीज सिटाडेल के इंडियन वर्जन का ऑडियंस को काफी बेसब्री से इंतजार है। वहीं अब निर्माताओं ने सिटाडेल हनी बनी का पहला गाना हनी बनी भी जारी कर दिया है, जिसमें वरुण और समांथा का धांसू अवतार दिख रहा है। इस सीरीज का प्रीमियर 7 नवंबर 2024 से OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video पर होगा। करीना कपूर की फिल्म द बकिंगम मर्डर्स को 13 सितंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। वहीं अब द बकिंगम मर्डर्स अपनी OTT रिलीज के लिए तैयार है। जी हां, फिल्म का प्रीमियर 8 नवंबर 2024 से नेटफ्लिक्स पर होने जा रहा है और अब जो लोग इस फिल्म को हॉल्स में नहीं देख पाए थे वो इसे OTT पर देख सकते हैं। आज के लिए मायापुरी टॉप 10 में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए मायापुरी के साथ जुड़े रहें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मायापुरी कट की तरफ से आप सभी को वी विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली।